Hi everyone, welcome back to my channel. If you're new to my channel, then my name is Himadri and you're watching Grooming with Dimpy. So, आज दोबारा से मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ साड़ी हॉल जो कि होने वाला है ऑर्गेंजा साड़ी का. और इस चीज का भी मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने बोला था कि आप ऑर्गेंजा साड़ी का एक रिव्यू करिए हमारे लिए. सो हेयर आई एम विद द रिव्यू. और आई नो ये जो मैंने एम्ब्रिक साड़ी का और ऑर्गेंजा साड़ी का जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो मैं एक ही दिन पे बना रही हूँ, बट ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता सो इसीलिए मैंने इनको दो में डिवाइड कर दिया है. बिकॉज यू नो उसका नाम डिफरेंट है, एम्ब्रिक एंड ऑर्गेंजा, तो इसलिए मैंने इनको डिफरेंट डिफरेंट बनाया है. वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज के लिए, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन वीडियो का ऑन टाइम मिल जाए और आप लोग सबसे पहले वीडियो को देख सके. एंड अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वहां पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. और आप अगर सर्च करेंगे ग्रूमिंग विद डिम्पी से तो आप लोगों को वो भी मिल जाएगा. सो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करें. सो अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस, सबसे पहले मैं बात करूंगी इस साड़ी की. और ये दिखने में, दिस साड़ी इज अमेजिंग, ये बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी. इसमें पिंक कलर का भी था. सो सबसे पहले मैं इस साड़ी का आप लोगों को नाम बता देती हूँ. इस साड़ी का नाम है ऑर्गेंजा विद डिजिटल प्रिंट एंड बेंगलोरी सिल्क ब्लाउज. सो इसके साथ ब्लाउज भी मिल रहा है आप लोगों को. और ये है डिजिटल प्रिंट के साथ. एज यू कैन सी, आप लोगों को दिख रहा होगा ये जो प्रिंट दिख रहा है ये इसी में ही है. आई मीन आप लोगों को अलग से कोई कढ़ाई या कुछ भी नहीं दे रखा, ये साड़ी में ही ये प्रिंट हो रखा है. और ये साड़ी दिखने में जितनी खूबसूरत है उतनी ही पहन के लगेगी, बट अगर आप लोग इसको पहन पाओगे तो. व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज कई लोग बोलेंगे कि नहीं ये साड़ी हमें तो बहुत ज्यादा अच्छी लगी है. सो दैट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू, बट जहां तक मैं इस साड़ी को देखती हूँ ये बहुत ज्यादा, यू नो आप लोग देख सकते हैं, आवाज सुन रहे हैं आप लोग, तो ये साड़ी आपकी ऐसी है कि ये बिल्कुल भी, मतलब आई मीन इसमें जो आप लोग प्लेट्स बनाते हैं या आप लोग जो यहाँ पे प्लेट्स बनाएंगे वो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बन पाएंगी. और ये साड़ी आप लोगों की बहुत ज्यादा यू नो फॉल करेगी. आप लोग देख सकते हैं अगर हम इसको ऐसे भी रखेंगे तो ये बहुत जल्दी जो है आप लोगों की फॉल करने लग जाती है साड़ी. सो ये अच्छी तरीके से टिकेगी भी नहीं, ये बहुत जल्दी साड़ी जो है गिरने लग जाएगी और अच्छे तरीके से मैनेज भी नहीं हो पाएगी ये साड़ी. हालांकि इसका प्रिंट, आई एम जस्ट लविंग द प्रिंट, बट देन ऑल्सो आई हैव टू गिव द ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ माइंड. जो कि मेरा रिव्यू है इस साड़ी का वो यही है कि हाँ, अगर आप लोग यूज टू हो साड़ी पहनने के लिए तो आप इसको मंगा सकते हो, क्योंकि आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होता है कि साड़ी को किस तरीके से मैनेज करना है और किस तरीके से पहनना है सारी चीजें. पर जो बिगनर्स होते हैं या फिर जो टीनेजर्स हैं हमारे, सो उन लोगों को साड़ी वेयर करने में थोड़ा सा परेशानी होती है, तो वो इस टाइप की साड़ी बिल्कुल भी नहीं मंगाएं, क्योंकि वो इसको वेयर नहीं कर पाएंगे और इस चीज को वेयर करने में थोड़ा सा आप लोगों को परेशानी होगी. सो इसके साथ हम लोगों को ब्लाउज भी मिला है. ब्लाउज का पीस ये है एज यू कैन सी, और ये बहुत ही ज्यादा चटक पिंक कलर है. This is, I'm not liking this one. ये कलर ही मुझे पसंद नहीं है. सो आप लोग कलर देख सकते हैं कितना चटक पिंक कलर है. सो अब हम दूसरी साड़ी की बात करेंगे, वो है ये. और इसका जो कलर है वो, इसका कलर मुझे बहुत ज्यादा खूबसूरत लगा है. एम्ब्रिक साड़ी में जो मैंने आपको व्हाइट कलर की साड़ी दिखाई थी जिसमें यू नो थ्रेड वर्क के फ्लावर्स बने हुए थे, ऐसे ही इसमें थ्रेड वर्क के जो है थ्रेड के फ्लावर्स बने हुए हैं जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं. और एम्ब्रिक साड़ी में बात ये थी कि वो हल्की सी सॉफ्ट थी एज कम्पेयर टू दिस साड़ी. इन ऑर्गेंजा साड़ी के कंपेरिजन में वो वाली साड़ी हल्की सी सॉफ्ट थी, बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं थी बट हल्की सॉफ्ट थी क्योंकि उसमें कॉटन मिक्स था. बट इस साड़ी में आप लोगों का चंदेरी है, कॉटन आई डोंट थिंक सो कि इसमें कॉटन है, ये बहुत ज्यादा रफ साड़ी है. इस साड़ी में यहाँ चारों तरफ पे ये गोल्डन कलर का आप लोगों को ये दे रखा है, बॉर्डर दे रखा है आप लोगों को गोल्डन कलर का एज यू कैन सी. सो दिस इज द बॉर्डर. और ये पूरी की पूरी ये यू नो पीच से ऑरेंज से कलर की है. सो इसमें जो फ्लावर्स बने हुए हैं वो आपके थ्रेड वर्क के फ्लावर्स दे रखे हैं. हल्का सा इसमें जो थ्रेड है उसमें गोल्डन शिमरी सी भी चीज है जो जिससे ये थोड़ा सा गोल्डन आप लोगों को इसमें दिख रहा होगा, तो हल्का सा गोल्डन जो है टिंट आ रहा है. ब्लाउज है वो
अगेन द सेम फैब्रिक है. आई डोंट नो व्हाई दे गिव द सेम फैब्रिक. आप लोग शिफॉन की भी दे सकते हो, जॉर्जेट का भी दे सकते हो, बट दे गिव द सेम फैब्रिक विद दी साड़ीज. सो ये है इस कलर का इसका साड़ी है, सॉरी ब्लाउज है इस कलर का. और सो हेयर इज द ब्लाउज. और मैं आप लोगों को इस साड़ी की खास बात बता देती हूँ, जो कि मुझे सबसे ज्यादा खूबसूरत लगी है इस साड़ी का. जो पल्लू होता है उसके बॉर्डर में, ये दे रखा है. आप लोग देख सकते हैं, ये अलग सा इन लोगों ने ये चीज लगा रखी है. एज यू कैन सी, यू नो गोटा पट्टी, यस गोटा पट्टी बोलते हैं इसको. सो गोटा पट्टी यहाँ पे लगा रखी है इन्होंने, और इसमें ये थ्रेड्स दे रखे हैं गोल्डन विद रेड कलर के, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं. सो सेकेंड साड़ी एंड दिस इज द लास्ट साड़ी, बिकॉज ऑर्गेंजा साड़ी मैंने सिर्फ दो ही ली है आप लोगों के लिए. सो या सो मैं इसको आप लोगों को वेयर करके दिखाती हूँ. हॉल ऑफ ऑर्गेंजा साड़ी, एंड आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी ये साड़ियां. जिसको पसंद आई है आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि इन सब का जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूंगी, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं. एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, एंड आई एम डूइंग लॉट्स ऑफ मेहनत गाइस, सो आई वॉन्ट कि आप लोग सपोर्ट करिए, मुझे सब्सक्राइब करिए. जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है उनके लिए बहुत 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 थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया है, देख रहे हैं, डू सब्सक्राइब माई चैनल. एंड यस, सो अब हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद.